गाता अच्छा था, उसका कंठ बहुत अच्छा था। दूसरा अवगुण था, शराबी था। तो दूसरे लोगों ने कहा कि जी ये तो किस व्यक्ति को आपने मंच के ऊपर बुला लिया, ये तो पियक्कड़ है। तो उन्होंने उसको तुरंत दुत्कारा नहीं, बस उन्होंने जब वो गाना गाने के बाद उनके पैर छूने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए गया, तो धीरे से उसके कान में इतना ही बोला, हो तो हीरे पर कीचड़ में पड़े हो, बाहर आ जाओ। और फिर उससे उनका जीवन बदल गया। तो हमें किसी की बुराई बतानी भी है मान लो, तो भी हम अपने मन में निंदा या चुगली का भाव ना रख करके, एक मातृत्व का भाव रख करके भी तो बता सकते हैं ना। तो उस व्यक्ति की उस बुराई को छुड़ाना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति को हमें बुरा घोषित कर देना। आप कह रहे हो ना जी बुरे को बुरा कहना ही चाहिए, इसमें कौन सी, तो बुरे को बुरा कहने से क्या मिलेगा, बुरे को आप अच्छा बनाएं इसमें तो आपको भी सुख मिलेगा और उस व्यक्ति को भी सुख मिलेगा। तो देखो ये मैं इसको कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानती हूँ कि भाई कोई व्यक्ति है ही काना तो उसको काना कहने में दिक्कत क्या है, तो भाई आपको क्या सुख मिल जाएगा। कोई व्यक्ति है ही अंधा तो उसको अंधा कहने में क्या दिक्कत है ही अंधा तो उसको सूरदास भी तो कह सकते हो आप। तो उस व्यक्ति को पहले ही बेचारे को एक चीज की कमी है, तो आप ऊपर से उसके घाव पे नमक और डाल रहे हो, उसको और ज्यादा कष्ट नहीं होगा क्या। तो ये तो ठीक है, कोई प्रारब्ध उसका रहा होगा ऐसा, तो अब हम उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं कि भाई अब कुछ ऐसे काम करें हम, उसको ऐसी प्रेरणा दें कि भाई वो डिप्रेशन में ना जाए, होपलेस ना हो, कि कोई बात नहीं, आपके पास नेत्र एक इंद्रिय तो नहीं है ना, बाकी तो चार है ना। और कई बार तो व्यक्ति यदि लापरवाह है तो पांचों की पांचों होते हुए भी कोई ज्यादा लाभ नहीं उठाता है, और यदि व्यक्ति जागरूक है तो वो चार इंद्रियों से भी कभी बहुत बड़ा काम कर देता है। तो गुरु और विरजानंद जी तो प्रज्ञा चक्षु ही थे, तो उनको हम प्रज्ञा चक्षु भी कह सकते हैं, सूरदास भी कह सकते हैं, और उनको प्रेरणा भी दे सकते हैं कि आप भी एक वही आत्मा है जो एक ऋषि के अंदर आत्मा है। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति बुराई तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, वो अच्छाई में भी बहुत आगे चला जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो इस दृष्टि से हमें देखना चाहिए, वो निंदा चुगली करने से ना हमारा लाभ है ना उसका लाभ है। जैसे कहते हैं कि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, तो कहते हैं कि हम जो कर्म करते वो संस्कार बनते और आगे जाके प्रारब्ध बनता है, तो आत्मा तो शुद्ध मुक्त है तो वो कैसे जाएंगे साथ में संस्कार, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में जाते हैं ना जी, आत्मा के साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी तो जाता है ना, मन इंद्रियां आदि। नहीं, मन तो जड़ है, जैसे वो तो यहीं पे रह जाएगा, शरीर भी यहीं पे, यहाँ नहीं रहता है मन, जब तक मोक्ष ना हो या महाप्रलय ना हो आत्मा के साथ ही रहता है मन, यहाँ नहीं रहता है, ये स्थूल शरीर यहाँ रहता है केवल, बस सूक्ष्म शरीर साथ ही जाता है, इंद्रियां भी साथ ही रहेंगी, मन भी साथ रहेगा, जो आपने कर्म किए उन कर्मों के संस्कार भी साथ ही रहेंगे। ठीक है, जैसे कुछ क्रांतिकारी हुए जी, वो बहुत ही छोटी उम्र के थे, जैसे शहजादों की बात आती है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो इतनी छोटी उम्र में उनका जो मैच्योरिटी लेवल इतना हाई था, तो हो सकते कि उनका प्रारब्ध इतना
उच्च स्तर का रहा हो। निश्चित रूप से, बिना संस्कारों के कैसे प्रवृत्ति हो सकती है। पिछले जन्मों में भी ऐसे राष्ट्रभक्ति के संस्कार रहे हैं उनके, नहीं तो थोड़ी हो सकता है ऐसे। दीदी, हम जो भोजन करते हैं तो उसमें खाने वाले का और बनाने वाले का दोनों का प्रभाव उसमें पड़ता है, तो अन्न का भी पड़ता है। और तो कभी कभी ऐसा भी होता है खाने भोजन जो बनाने वाले होते हैं वो अपने मन से नहीं बनाते, या तो दुखी होकर बनाते हैं, या तो बनाने के समय मोबाइल देख रहे होते हैं, तो या तो अपनी मर्जी से कर रहा होता है, लेकिन खाने वाले जो है वो इस हिसाब से खा रहा है कि ये मेरे लिए प्रसाद है, तो उसका प्रभाव जो बनाने वाले ने बनाया तो उसका प्रभाव उसको पड़ेगा फिर ना। उसको आप वो कर सकते हो, न्यूट्रलाइज कर सकते हो अपने वाले भाव से। आपका भाव यदि स्ट्रोंग है तो आप उस वाले के भाव को काट सकते हो। थाली में आते ही देखो, आपको भोजन के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। जैसे ही भोजन अपने पास आता है थाली में, तो आप उसको प्रथम दृष्टया आप उसको देखें एक बार, और देख करके आपके मन में भाव आना चाहिए। वहां जो जो भी चीजें है ना, वो सब कभी ना कभी जीवित थी, मतलब वो जीव जीवात्मा ही थी। सब्जी है तो सब्जी में जीव था ना, रोटी है गेहूं बाजरा उसमें भी जीव था, दूध है तो वो भी गौ माता के वहां से आया, तो घास खाई उसने, कितना लंबा प्रोसेस, तो वहां भी दो तीन जीवों का योगदान है। तो जो भी हम खा रहे हैं उसमें लगभग लगभग सारी चीजें जीव थे कभी, और उन्होंने इस जीव की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। कितनी कुर्बानी दी है उन्होंने हमारे लिए, तो अब हमें उनकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं करना है, उनके बलिदान को। तो देखते ही ये भाव आना चाहिए कि हम आपके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, आपने हमारे लिए अपने आप को खोया है, तो अब हम भी इस अन्न को खा करके कुछ ऐसी सेवा करेंगे, कुछ तो ऐसा आध्यात्मिक कार्य करेंगे कि जिसमें हमारे स्वार्थ ना जुड़े हों, पूरे एक उसकी भलाई हो। आपने दूसरे की भलाई के लिए हमारा जीवन खोया है। और कहते हैं कि ऐसे उसमें आप मंत्र बोलते हैं, उसको छूते हैं, उसको एक बार प्रणाम करते हैं, तो फिर उसका पूरा प्रभाव बदल जाता है शरीर में जाकर के ना। उसके वो रिसर्च किए हैं, ऐसे ही खाना खा लिया बिना कुछ भी सोचे, एक रिसर्च, उसके प्रति हे दृष्टि रख करके खाया, ये क्या खाना बनाया है, इसमें नमक है ना, मिर्च है ना, घास फूस कहाँ आ गए यहाँ पर, उसका भी रिसर्च किया। तीसरे ने ऐसे भाव से खाया, उसका भी रिसर्च किया, और उसमें तीनों की रिपोर्ट अलग अलग आई। तो ऐसे हमें खाना खाना चाहिए। तो उसने जिस भी भाव से बनाया हो, ठीक है, वो तो बनाने वाले को हम कह के रखें या खुद बनाएं, या ऐसी व्यवस्था नहीं है तो जो भी उसकी भावना है, दो तीन लोगों को प्रयास करके संतुष्ट रखना चाहिए। एक तो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को, एक खाना बनाने वाले व्यक्ति को, क्योंकि वो अभी तो बुरे भाव से ही बना रहा है, ये भी तो हो सकता है विष मिला दे, तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि इन लोगों के हाथ में हमारा जीवन होता है। महर्षि दयानंद को उनके सेवक ने तो मारा दूध में विष मिला करके, तो खाना बनाने वाले को, ड्राइविंग करने वाले को, कई बार वो क्या सोचता है, बोले आगे वो लगा हुआ है, खुल जाता है ना वो बेल्ट, क्या बोलते हैं उसको, एयरबॉक्स जो भी है, तो उसको पता है मैं तो बच ही जाऊंगा, पर एक मार देता हूँ ये पीछे वाले को, अगर नहीं भी मरेगा तो इसको थोड़ा सा मतलब प्रसाद तो मिल ही जाए। तो उसको परेशान नहीं करना चाहिए, ड्राइवर को वैसे भी नहीं करना चाहिए, और चलाते समय तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ऐसे खाने वाले को भी, तो वो मतलब अच्छे भाव से बनाए, ऐसी परिस्थिति बना के रखनी चाहिए हमें, उसको संतुष्ट रखना चाहिए, उसको गिफ्ट देनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसको बताना भी चाहिए। खाने के समय किसी किसी को मैंने देखा है कि सारे सब्जियों में से थोड़ा 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 लेके साइड में रख देते, बोले ये भगवान के लिए, तो इतना सारे भगवान जी ने दिया पर इतना थोड़ा भगवान के लिए देते। नहीं, वो बलि वैष्णोदेव यज्ञ है ना भाई, वो बलि वैष्णोदेव यज्ञ के लिए, कि हमने अपना खाने से पहले थोड़ा सा दूसरे उनके प्राणियों के लिए भी रख दिया है,
फिर उसको उठा के वो देते हैं किसी चींटी को, पक्षी को, कौवे को। ठीक है, और तो कोई प्रश्न नहीं है किसी का? अस्त्र तो ऐसे सामने से चलाया जाता है और शस्त्र दूर से। श्री राम ने की थी उस दिन दशहरे वाले दिन विजयदशमी, क्योंकि वो बारिश काल में तो सुग्रीव चला गया था अपने वहां और फिर भी वो आया ही नहीं बारिश काल खत्म होने के बाद भी। तो लक्ष्मण ने जाके वहां ललकारा उसको कि तू बाहर नहीं आएगा तो अब जहां तेरे भाई को पहुंचाया वहीं तेरे को भी पहुंचा देंगे, बाली वाली जगह। तो फिर वो बाहर आया तो उस समय तक बारिश का काल खत्म होकर के आश्विन मास आ गया था। तो फिर वहां सुग्रीव आए, उन्होंने वो योजना बनाई सीता माता की खोज के लिए। फिर सब गए, वो एक महीने के बाद आए और बाद आने के बाद जब माता का पता लग गया तो फिर विजयदशमी को शस्त्रों की पूजा की थी युद्ध से पहले। तो किसी, ये तो हमारे यहाँ आज भी प्रथा है, कोई भी काम आप करते हैं तो पहले उसको मतलब गाड़ी भी जैसे चलाते हैं तो जो अच्छे ड्राइवर हैं वो उस पे बैठते ही स्टेयरिंग को पहले ऐसे करते हैं। तो ये शस्त्र पूजा ही है, उसका वही शस्त्र है। उसका यही है ना कि भाई इसके माध्यम से ही मुझे जीवन की विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि मेरा पेशा ये है तो मुझे तो इसी के माध्यम से ही उस दिव्यत्व को पाना है। तो यही मेरी पूजा का साधन है, यही मेरी दिनचर्या का साधन है, यही मेरा कर्तव्य कर्म है। तो ये भाव इसलिए रखते हैं, विजयदशमी बोलते हैं ना उसको। तो आप चेंज करो उसको, जूठा मत छोड़ा करो और अच्छा अच्छा खिलाया करो। नहीं खिलाना चाहिए तो यही कोशिश किया करो कि मतलब आप झूठा ना छोड़ें और गाय को जो खिलाना है वो अच्छा ही खिलाएं। ऐसे तो किसी को भी झूठा नहीं खिलाना चाहिए, तो गाय को ही क्यों, किसी को भी नहीं खिलाना चाहिए अपना झूठा। क्यों दूसरे पशुओं को क्यों खिलाना चाहिए? तो वो तो मतलब उसके प्रति हम श्रद्धा भाव रखते हैं ना, इसलिए दूसरों को भी नहीं खिलाना चाहिए। क्योंकि अपना जो स्लाइवा जाता है तो क्या पता उसमें कोरोना हो, उसको भी कर दें। कोरोना ही क्यों, कोई भी रोग हो सकता है। चलिए, तो इन्होंने कहा कि आप इन अस्त्रों को चलाने की मेरे को विधि भी बता दें और इनको रोकने की विधि भी बता दें, क्योंकि अस्त्र शस्त्र पास में होना पर्याप्त नहीं है, उनका प्रयोग करना आना चाहिए, तब हमें विजय प्राप्त होती है। एवं ब्रुवति काकुत्से विश्वामित्रो महातपः संहारान् व्यजहार अथ धृतिमान् सुव्रतः शुचि सत्यवन्तं सत्यकीर्तिं धृष्टं रसभमेव च प्रतिहारतरं नामा पराङ्मुखम् अवाङ्मुखम् लक्षालक्षौ इमौ चैव दृढनाभसुनाभकौ दक्षाक्षतवक्त्रौ च दशशीर्षशतोदरौ पद्मनाभं महानाभौ दुन्धुनाभस्वनाभकौ ज्योतिषं शकुनं चैव नैरास्यम् इव अमला उभौ योगं धर विनिन्द्रौ च दैत्य प्रमथनौ तथा शुचिर्बाहु महाबाहोर्निष्कलेर्वीरुचस्तथा साचिर्माली धृतिर्माली वृत्तिमान् रुचिरस्तथा कृत्र्यः सोमनश्चैव विधूतं मकरौ भौ परवीरं रतिं चैव धनधान्यौ च राघव कामरूपं कामरुचिं मोहं आवरणं तथा जृम्भकं सर्पनाथं च पन्थान वरुणौ तथा कृशास्वतनयान्यान् रामाभास्वरान् कामरूपिणः प्रतिच्छ मम भद्रं ते पात्रभूतोऽसि राघवः। बस इतना ही।
तो ये तो सारे अस्त्रों के नाम ही हैं। सत्यवंतम, सत्य कीर्तिम, धृष्टम, रसभम एवच, ये सब अस्त्रों के नाम हैं। प्रतिहार तरम नाम, परांग मुखम, अवांग मुखम, लक्ष्य अलक्ष्य इमौ, दृढ़ नाभ सुनाभकौ, सुनाभक दृढ़ नाभ, और दशाक्ष शतवक्त्र, दस शीर्ष, शतोदर पद्मनाभ, महानाभ, दुंधुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैरास्य, विमल, दैत्यनाशक, योगंधर, विनिंद्र, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरुच, सार्चिमाली, धृतिमाली, वृत्तिमान, रुचिर, पित्र, सौमनस, विधूत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जृंभक, सर्पनाथ, पंथान और वरुण, ये सब क्या हैं? कृशास्व तनयान, ये कृशास्व के पुत्र हैं। कृशास्व राजा आया था ना पहले, उसके पास थे ये सारे अस्त्र, उनसे इन्होंने लिया था विश्वामित्र ने, तो कहा कि ये सब उनके पुत्र जैसे हैं। कृशास्व तनयान राम, भास्वरान, बड़े तेजस्वी हैं ये, और काम रूपेण, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हैं ये अस्त्र। प्रतीच्छ मम भद्रम ते पात्र भूतो असि राघव, मम पात्र भूतो असि राघव, हे राघव तुम मेरे लिए पात्र हो, कृपा के पात्र हो, इसलिए प्रतीच्छ तुम इनको ग्रहण करो। तो मैं केवल तुम्हें ही ये दे सकता हूँ, मेरे पास थे ये सब, मैंने अपनी तपस्या से इन सब को प्राप्त किया था कृशास्व से, तो आप इसके पात्र हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि किसी व्यक्ति के पास कोई उपलब्धि विशेष है और वो हमें भी चाहिए, तो फिर हमें उसकी कृपा का पात्र बनना पड़ता है। किसी के पास कोई विद्या है, कोई शस्त्र विद्या है, अस्त्र विद्या है, कोई शास्त्र विद्या है, कोई राजनीति की विद्या है, कोई धन है, कोई सुयश है, और हमें लगता है कि हम इसके जैसे बने, तो फिर हमें उसका प्रियाचरण करना होता है, उसकी कृपा का पात्र बनाना होता है, तो फिर वो दे देते हैं अपने शिष्य को। तो ऐसे आपने सुना होगा ना, शक्तिपात करते हैं, तो शक्तिपात क्या है? यही शक्तिपात है, उसका प्रियाचरण करते हैं, तो एक तो वो हमेशा अपने शिक्षाएं उसको दे दे करके उसका माइंड और उसका हृदय ऐसा सेट कर देगा, और दूसरा उसकी अपनी जो पॉजिटिव भावनाएं हैं वो भी एक शक्ति का काम करती हैं, तो यही शक्तिपात है। तो जैसे इनको कर दिया था ना स्वामी विवेकानंद जी को, इनके गुरु जी ने, रामकृष्ण परमहंस ने, क्योंकि वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी सच्चे श्रद्धालु थे, पूर्ण जिज्ञासु थे वो, तो बहुत शिष्य आए होंगे लेकिन एक के अंदर प्यास सच्ची थी। तो जो गुरुजन होते हैं, महायोगी होते हैं, वो बस इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि जो लेने वाला मांगने वाला व्यक्ति है वो कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, जिज्ञासु। कृष्ण के पास बहुत सारे शिष्य आए होंगे लेकिन अर्जुन को ही, मतलब अर्जुन के जो और चार भाई थे वो भी तो अच्छे ही थे, युधिष्ठिर का तो नाम ही धर्मराज, चाहे काम अधर्म के किए हो, तो बाकी सब भी उनको प्रिय ही थे लेकिन बाकी सब में उस सत्य को जानने की जिज्ञासा नहीं थी, वो सरलता नहीं थी। मतलब फ्री में मिल जाए ऐसे तो सभी चाहते हैं, पर एक व्यक्ति के अंदर ये होता है ना कि भाई किसी भी कीमत पे मुझे तो इस चीज को जानना ही है, ये होती है सच्ची प्यास। तो ना तो फिर वो पथ में आने वाली बाधाओं से घबराएगा, ना वो अपमानों से घबराएगा, ना वो सम्मानों से इतराएगा, उसके अंदर एक ही प्यास निरंतर ज्योति की तरह से जलती रहेगी कि जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक बाकी की सब चीजें मेरे लिए बेकार है, करूंगा कर्तव्य समझ करके जो भी भगवान ने दायित्व दिए हैं, पर मेरा लक्ष्य वही है। ऐसी जिसके अंदर प्यास होती है तो फिर उसको कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई सहायक, सहारा, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा उसको फिर, और वो जिसके पास वो शक्ति है वो भी पहचान लेता है कि किस व्यक्ति के अंदर प्यास है, तो वो लाखों किलोमीटर दूर से भी उसको व्यक्ति को ढूंढ ही लेगा। भगवान भी ढूंढता है हमें,
हम भगवान को नहीं ढूंढते हैं। ऐसे कहते हैं कि महात्मा बुद्ध जैसे वो हो गए मुक्त, तो फिर वो आज भी मानते हैं उनके शिष्य तो कि महात्मा बुद्ध सुबह सुबह उठ करके देखते हैं आकाश से कि कौन ऐसी आत्मा है जिसने आज उस सत्य को तत्व को जानने की अभिप्सा की हो, मैं उसको अपना आशीष देना चाहता हूँ। तो वो भी ढूंढते हैं, देवता भी ढूंढते हैं, कौन ऐसी आत्मा है जो हमसे दैवी शक्ति लेने के लिए डिमांड कर रही, सच्चे हृदय से पुकार कर रही, तो हमें उनको अनुग्रहित करना है। तो जितने भी गुरुजन हैं वो भी यही चाहते हैं कि कौन ऐसी आत्मा है जो उनके पास जो शक्ति है उसको लेने के लिए जिज्ञासु है, तो वो देना ही चाहते हैं। माँ तो पिलाना ही चाहती है दूध अपने बच्चे को, बशर्ते कि बच्चा बीमार ना हो। सूर्य, मैंने कल भी बताया था, कब से जल रहा है, तो शायद थक गया होगा बेचारे को, आराम करने की इच्छा होती होगी। ये मतलब हम अपनी स्थिति से ऐसी कल्पनाएं करते हैं, पर उसमें जो भी आत्मा है, जो भी जल रही है, तो उसको इच्छा भी हो यदि विश्राम करने की, तो तब तक नहीं कर रहा है जब तक कि हम में से सब आत्माएं मुक्त ना हो जाएं। एक भी आत्मा रहेगी तब तक वो जलता ही रहेगा, क्योंकि जीवन देना है ना उसको, उसका काम ही यही है कि जब तक सारी आत्माएं मुक्त ना हो जाएं तब तक तुझे जलते ही रहना है, उनको जीवन देते ही रहना है। तो वो बेचारा जल तो रहा है लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा है, थकान अभिव्यक्त नहीं कर रहा है कि कब बनोगे तुम, मैं जले जा रहा हूं, ऐसे नहीं बोलता है। जब भी आप उसको देखेंगे वो मुस्कुरा ही रहा है। और एक हम है कि हमारे कोई चित्त के ऊपर कोई टेंशन नहीं है कि कोई हमारे लिए जल रहा है, कोई हमारे लिए इतना तप कर रहा है, वो तो बहुत दूर है सूर्य, तो उसको तो छोड़ो। हम तो अपने पास रहने वाले अपने माता पिता की तपस्या को, अपने गुरुजनों की तपस्या को ही नहीं देख पाते, तो आंखों के रहते हुए भी बिना आंख जैसे होते हैं। पश्यन अपि न ददर्श कश्चित्, बृहस्पति सूक्त ऋग्वेद में, शृण्वन अपि न शृणोति, सुनते हुए भी नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, ऐसी हमारी स्थिति है। तो इसलिए इन्होंने कहा प्रतिच्छ मम भद्रम ते पात्र भूतोसि राघे राघव, तुम मेरे पात्र हो गए, इसलिए सब के सब अस्त्र मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। बाढ़ काकुत्स प्रहृस्तेनंतरात्मना दिव्य भास्वर देहाश्च मूर्तिमन्तः सुख प्रदा केचिदंगार सदृशः केचिद् धूमोपमास्तथा चंद्रार्क सदृशा केचित् प्रवाहञ्जलिपुटस्तथः रामं प्राञ्जलयो भूत्वा अब्रुवन् मधुरभाषिणः इमे स्म नरशार्दूलः शाधि किं करवामते। बाढ़म इत्येव काकुत्स प्रहृष्टेन अंतरात्मना, तो जब उन्होंने कहा कि मैं आपको देता हूं, तो इन्होंने कहा बहुत अच्छा, और आत्मा से ही प्रसन्न होकर के, अंदर से ही प्रसन्न होकर के, दिव्य भास्वर देहाश्च मूर्तिमंतः सुख प्रदा, वो अस्त्र हैं वो कैसे हैं, दिव्य भास्वर देह, दिव्य और तेज से युक्त, भास्वर चमकीली तेजस्वी उनकी उनका देह है। तो देह मतलब मनुष्य जैसा देह नहीं, जो अस्त्र का देह है उसी को यहाँ देह कहा। मूर्तिमंत सुख प्रदा, सुख देने वाले हैं, मूर्तिमान है वो अस्त्र, और उनमें केचिद अंगार सदृशा, कुछ तो अंगारे की तरह चमकीले हैं, केचिद धूमोपमास तथा कुछ थोड़े चमकीले नहीं है, धूम जैसे हैं, कृष्ण वर्ण के हैं, चंद्र अर्क सदृशा केचिद कुछ चंद्रमा के जैसे हैं, कुछ अर्क, अर्क माने सूर्य, कुछ सूर्य के सदृश हैं, तो वो सब प्रह्वा अंजलि पुटस्तथा, तो वो सब अंजलि बांध करके श्री राम के सामने खड़े हैं। रामम प्राञ्जलयो भूत्वा अब्रुवन मधुर भाषिण, और वो मधुर भाषा में अंजलि बांध करके श्री राम को कह रहे हैं, इमे स्म नर शार्दूल, हे नर श्रेष्ठ नर शार्दूल, इमे स्म ये हम उपस्थित हैं आपके सामने, शाधी ते किम करवामा, आप हमें आज्ञा दीजिए
शादी आप बताइए, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो इसको कल पढ़ेंगे फिर, इन्होंने क्या आज्ञा दी। आज यही विराम लेते। ओ शांति 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 ही, श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः।